हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बता रही हूँ, इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ इस चैप्टर का। सॉल्व x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x पॉजिटिव y पॉजिटिव ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली शो करना है। इन दोनों का मैंने पहले भी मतलब बताया है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव मतलब जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है आपने, और वहीं पर शेडिंग होगी। ठीक है, पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नंबर 1 मीट्स x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0। x एक्सिस पे y वाला 0 होता है, इसको 0 कर दो। x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 10। देयरफॉर पॉइंट इज, पॉइंट जो आपके पास बनेगा दैट इज 10 0। Now we will draw, sorry, number 1 meets y axis, that is x is equal to 0. Number 1 equation में x की जगह 0 कर दो, 0 plus 2y is equal to 10. तो यहां पर आएगा 2y is equal to 10, then y is equal to 10 upon 2, 5. Therefore point is, point जो आपके पास बनेगा, x कितना है 0 and y है 5. ये हमने पहली लाइन का अपना बना दिया। इसी तरह से सेकंड, वी विल ड्रॉ ग्राफ ऑफ, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ नंबर 2 मीट्स x एक्सिस, दैट इज y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इसमें गिवन इक्वेशन में कर दीजिए आप, तो y को 0 करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो देयरफॉर पॉइंट इज, पॉइंट बनेगा 1 0। नेक्स्ट नंबर 2 मीट्स y एक्सिस, दैट इज x इज इक्वल टू 0। आप यहां पर x को नंबर 2 में x की जगह पे 0 कर दीजिए तो आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर पॉइंट इज, पॉइंट आपके पास क्या बना, x 0 एंड y 1। ये हमें दो लाइंस को हो गए। तीसरी लाइन x माइनस y इक्वल टू 0, इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटे ये y उधर चला गया, तो ये लाइन क्या बन गई, y इज इक्वल टू x। तो एक ऐसा मैंने आपको बताना था फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू कुछ भी हो, x हो चाहे 2x हो 3x हो, मतलब y इज इक्वल टू mx, m का मीन्स m कैन बी एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर आप क्या करते हो, इसको सेंटर से ऊपर को लेके जाते हो, सेंटर से ऊपर को लाइन सीधी y इज इक्वल टू x का डायरेक्टली आपने कर देना। अगर आप इसको यहां पर x को 0 करते हो तब y भी 0 आएगा, y को करते हो तब x 0। यहां से कोई पॉइंट तो नहीं निकलेगा, इसका हम डायरेक्ट ही यूज कर दिया करेंगे, बना दिया करेंगे। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। हाँ जी बेटा, अब ग्राफ ड्रॉ करने लगे। यहां पे देखिए y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, देन अब x एक्सिस ड्रॉ करने लगी मैं यहां पर। देखिए x एक्सिस दैट इज y एक्सिस, ओरिजिन इधर x डैश और नीचे y डैश। ठीक है, ये सारा हमने ड्रॉ कर दिया। अब पॉइंट्स लगाने हैं, x वाले 10 तक जा रहा है तो आप करिए इतने तक लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट्स आ गए। अब y वाले देख लीजिए आपके पास कहां तक है, 5 तक। करिए 1 2 3 4 5, बस यहां तक। अब पॉइंट्स लगाइए, पहला पॉइंट हमारे पास है 10 0, x 10 एंड y 0 मींस 10 0, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 5, x 0 एंड y 5, दैट इज दिस पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन करके हम लाइन लगा देते हैं अपनी, इनको ज्वाइन करो दोनों पॉइंट्स को, ये लाइन बन गई हमारे पास। जो पहली इक्वेशन हमें बोली थी लाइन की वो बन गई, दैट वाज x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं 1 0, दैट इज 1 0 एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 0 1 0 1। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, यहां से ये लाइन भी ज्वाइन हो गई। ये पहली लाइन जो हमारे पास आई है, दिस लाइन इज x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 10 एंड दैट दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब जो तीसरी लाइन है y इज इक्वल टू x लाइन, वो मैंने आपको बोला सेंटर से ओरिजिन से होती हुई पास करती हुई जाएगी ऊपर को, हमेशा y इज इक्वल टू 2x हो, y इक्वल टू 5x हो, कुछ भी हो ऐसा, x में पॉजिटिव, y इज इक्वल टू mx, m इज एनी पॉजिटिव।
तो इंटीजर, इसलिए फिर ये लाइन क्या बनी, y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास ऐसा बन गया। अब आप लोगों को जो है, हाँ जी आगे देखिए, लाइंस हमारे पास जो गिवन है मैं वो यहाँ लिख रही हूँ, x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब आप पॉइंट्स यहाँ पर लाई करवाइए, पहला पॉइंट आपके पास 0 5 है, x 0 y 5 मीन्स 10 लेस देन इक्वल 10 ट्रू है, x 0 y 5 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यस, x 0 y 5 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट करिए, 0 1 पॉइंट हमारे पास, x 0 y 1 मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 10 यस, x 0 y 1 अब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ठीक है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, x 0 y 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 ये भी ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपने करके देखना है, कर लो, वैसे तो पता चल गया यहीं से कि यही पोर्शन शेडेड होगा, आप नेक्स्ट करके देख लो, चाहे 1 0 करके देख लो, x को 1 y को 0, 1 लेस देन इक्वल टू 10 ठीक है, x को 1 एंड y को 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये भी ठीक है, आगे y x जो 1 है y 0 है, 1 लेस देन इक्वल टू 0 नो, तो फिर ये तो नो हो गया, इसके ये पोर्शन तो शेड होगा ही नहीं, तो फिर ये भी नहीं होगा, आप चेक कर लेना, इसको भी कर लेना, चाहे ओरिजिन चाहते हो ओरिजिन को भी करके देख लो, यहाँ पे 0 0 है, आप x को 0 y को 0 करके देख लो, 0 लेस देन इक्वल टू 10 यस, 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नो, तो फिर ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा ये वाला, मतलब कि यही सेटिस्फाई है तो यही फिजिबल रीजन हुआ ठीक है। दैट्स ऑल बेटा, ये चैप्टर फिनिश हुआ, मैं क्वेश्चंस कुछ आपको दूंगी घर से करने के लिए, वो करके मुझे सेंड करने, ओके थैंक यू बेटा।